आजाद जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंतर्गत हम पहले जो पढ़ चुके हैं वो आयरन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में आपको बताया था लॉ इस्पात उद्योग। आज जिस विषय में चर्चा करेंगे वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सूती वस्त्र उद्योग, और फिर इसके बाद जो फेमस पेपर इंडस्ट्रीज है उनके लिए कौन कौन से प्लेसेज जो फेमस है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो चूँकि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकलाइजेशन ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री, फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। पहले सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो कौन से कारक होने चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल्स होना चाहिए, कच्चे माल की उपलब्धता। पहला ये है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, इसमें क्या होगा, पहले कच्चे माल की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के रूप में हम क्या यूज करते हैं, कपास। तो आप देखते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग यानी कि सूती वस्त्र तैयार करने के लिए हमें कच्चे माल के रूप में कपास की जरूरत होती है। तो हम कच्चे माल के रूप में जहाँ हमें कपास की उपलब्धता होगी वहाँ पर जो है आपके सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की जाएगी। जैसे आप देखिए अपने भारत में गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर जो है सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना है। उत्तर भारत में जैसे अब चूँकि उत्तर प्रदेश में कानपुर वगैरह है, और इसी तरीके से पंजाब और हरियाणा में भी क्या कहते हैं कपास का उत्पादन अधिक होने लगा है, तो वहाँ पर भी धीरे धीरे जो है सूती वस्त्र उद्योग की बढ़ोतरी हो रही है। तो इस तरीके से जहाँ पर कच्चे माल के रूप में कपास की उपलब्धता होती है वहाँ पर जो है, पहले चूँकि ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में ही केंद्रित थी, ठीक, और फिर धीरे धीरे जो है ये उत्तर भारत की ओर जो है क्या होती गई, स्थानांतरित होती गई, क्योंकि वो सारी परिस्थितियाँ उत्तर भारत में भी, क्योंकि पहले जो है इसके लिए जो हमको वेट जो आर्द्र और नम जलवायु जो चाहिए थी वो दक्षिण भारत तटी दक्षिण भारत में मिलती थी, उत्तर भारत में नहीं मिल पाती थी, इसलिए वहाँ पर इसका केंद्रित संकेंद्र ज़्यादा था। लेकिन जब हमने लैब में यानी कि आर्टिफिशियल रूप से इस तरीके की क्लाइमेट को जो है उत्पन्न करना शुरू कर दिया तब से उत्तर भारत की तरफ भी स्थानांतरित हो गया, क्योंकि इधर हमको बिहार से पश्चिम बंगाल से सस्ते श्रमिक मिलते जाते हैं। सस्ते श्रमिक के मिलने की वजह से जो है ये दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ भी केंद्रित हो गया।
कहीं पर भी आप देखेंगे, जैसे आप चीन में देखिए, चीन में अभी हम आपको बताएंगे जो पूर्वी चीन है, जैसे यांग्टी सिक्यांग घाटी जो है आपकी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो है संकेंद्रण हुआ है सूती वस्त्र उद्योग का, जहाँ पर संघाई ग्रुप जो है सबसे ज़्यादा जो है वस्त्र का उत्पादन करता है, जैसे मैनचेस्टर ऑफ चाइना भी कहते हैं, संघाई ग्रुप चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका में आप देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका जो उद्योग की स्थापना की गई, सबसे पहले रोड आइलैंड है वहाँ पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई। लेकिन चूँकि कपास की खेती जो है हमारी वो दक्षिण की तरफ होती है, तो दक्षिण में अधिक कपास की खेती व अधिक सस्ते श्रमिक होने के कारण जो है उत्तर से दक्षिण की ओर कपास जो सूती वस्त्र उद्योग स्थानांतरित होने लगा। इस तरीके से जहाँ पर रॉ मटेरियल्स होते हैं उधर जो है उधर की तरफ जो सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना होने लगी। तो कच्चे माल के रूप में कपास की उपलब्धता, हमारी उत्पादन लागत क्या होगी, कम है, जिससे हम कम दाम पर उसको बेच सकते हैं। सस्ते व कुशल श्रमिक होना चाहिए। तीसरा, यातायात के साधनों का विकास होना चाहिए। यातायात के साधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधनों का विकास। अगर यातायात के साधन विकसित नहीं है तो हम तैयार माल को जो है वहाँ तक नहीं ले जा सकते हैं, जो मार्केट ले जाना तैयार माल, वहाँ पर हमारा तैयार माल नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए यातायात के साधनों का विकास भी होना चाहिए। शक्ति संसाधन, साधन के रूप में आपका या तो कोयले की उपलब्धता हो या तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की उपलब्धता हो, जल विद्युत। तो जहाँ पर कोयले की उपलब्धता है, शक्ति संसाधन के रूप में कोयले अथवा जल विद्युत की उपलब्धता होना चाहिए। बात जो है आपका विस्तृत बाजार होना चाहिए, यानी कि उसकी डिमांड भी होनी चाहिए, विस्तृत बाजार एक्सटेंशन। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सूची वस्तु उद्योग के स्थानीयकरण के लिए, यानी कि उसकी स्थापना के लिए ये कारक प्रभावी होते हैं। आर्द्र और नम जलवायु होती है, वैसे आर्टिफिशियल भी मिलती है, आर्द्र एवं नम जलवायु भी इसके लिए। इससे क्या होते हैं, जो सूत के धागे होते हैं, सूत जो होता है वो मजबूत होता है इस तरीके की क्लाइमेट में। इसीलिए आप देखिए जो समुद्र तटीय किनारा होता है वहाँ पर इस तरीके की इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगेंगी। पहले वही उत्पादन ही होता था, जैसे आप देखिए मुंबई हुआ, सूरत हुआ, अहमदाबाद, ये सब जो है सूती वस्त्र उद्योग के ही केंद्र। तो आपके पास हम कह रही कि इन सब फैक्टर्स को मिला के आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और ये सब फैक्टर्स मिलकर जो है सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हम मतलब इस तरीके के उद्योग को वहीं पर लगाएंगे जहाँ पर ये सारी चीज़ें हमको आसानी से उपलब्ध हो। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, जैसे हमने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है केवल पूर्वी साइड जो है सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई, जबकि पश्चिम में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना नहीं हो पाई। इसी तरीके से चीन में पूर्वी क्षेत्र में देखिएगा, इसी तरह जापान में देखिएगा कि हानसू द्वीप में जो है मुख्य रूप से जो है इस तरीके की उद्योग की स्थापना हो पाई।
अभी हम एक एक बताएंगे आपको क्वांटिटी वाइज। तो इस तरीके से ये फैक्टर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, पहले तो सबसे पहले जो भी उद्योग लगाना है उसके लिए हमको कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, यानी सूत्र और उद्योग की स्थापना के लिए कच्चे माल के रूप में कपास की उपलब्धता होनी चाहिए, आसानी से वो आपको उपलब्ध हो। जापान वगैरह देखिए तटीय क्षेत्रों में लगाए गए, क्योंकि जापान में कपास नहीं होती। जापान क्या करता है, कपास को आयात करता है, आयात करके लगाता है, आयात करके मतलब सूत्रस तैयार करता है। तो इस तरीके से वो जो कि अंदर न जाके तटीय क्षेत्रों में उसके उद्योग ज़्यादा लगाए गए, क्योंकि वहाँ पर वो आसानी से जो आयात होता है माल वो पहुँच जाता है, और तैयार माल भी, चूँकि जापान में तो इतनी जनसंख्या है नहीं, उनका भी जो है मार्केट पूरा एक्सटेंसिव मार्केट है, अन्य देशों को भी वो बेचते हैं, उनकी खपत जो होती है वो केवल अपने देश में नहीं होती। इसलिए तटीय स्थानों पर होने से क्या होता है, उसमें आयात निर्यात की भी सुविधा होती है। तो जहाँ पर आयात निर्यात की सुविधा होती है, क्योंकि अब मार्केट केवल वहीं तक विस्तृत नहीं हो गए, इसलिए यातायात के साधनों का विकास कहा गया है। दूसरे शक्ति के संसाधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। आपको शक्ति संसाधन के रूप में या तो कोयले की उपलब्धता हो, आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली वगैरह जल विद्युत से भी जो है मशीनें चलाई जाती हैं। तीसरा आपने बताया आपको यातायात के साधनों का विकास, यानी कि तैयार माल और कच्चा माल के ले जाने और जो है तैयार माल को बाजार तक पहुँचाने के लिए जो है विकसित जो है साधन होने चाहिए। इसी तरीके से फिर जो है आपकी पूंजी होनी चाहिए, आपके पास विस्तृत बाजार होना चाहिए। बिना बाजार के जो है आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, अगर उसकी कोई डिमांड नहीं है तो आपका जो है उद्योग सफल नहीं होगा। जो हमने जलवायु बताया कि उसके धागे क्या होते, मजबूत होते, इससे कपड़े जो होते हैं वो मजबूत होते हैं। अब आप देखिए जो उत्पादन बात देख रही है।
आप एक आप तो बना के घर से लाया करिए, क्योंकि आपको एक वर्ड का मैप तो डेली बनाना ही बनाना है, आप घर से ही बना के ला। अब आप देखिए उत्पादन है वितरण, तो आप जानते हैं कि चीन जो है सबसे अधिक उत्पादन करता है, क्योंकि उसकी धूम भी मची हुई है सब जगह चीनी कंपनियों के सबसे। तो चाइना जो है सबसे ज़्यादा सूची सब्जियों का उत्पादन है। तो एक एक के बारे में हम सबके स्थानीयकरण के कारण नहीं बताएंगे, नहीं तो बहुत समय लगेगा। फिर जो है केवल आपको ये बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से प्लेस हैं, एक हमने रफली बता दिया ना कि किस वजह से जो है कहाँ पर ये उद्योग लगाया गया। जैसे इस पर सबसे ज़्यादा यांग्त्सी सिक्यांग जो घाटी आप जाते हैं, तीन तरीके की जो तीन नदियाँ मेन है चीन में, वांगो नदी, यांग्त्सी सिक्यांग नदी और जियांग या सिक्यांग नदी। तो ये तीन नदियाँ जिसमें यांग्त्सी सिक्यांग नदी सबसे बड़ी नदी है। यांग्त्सी सिक्यांग नदी जो घाटी उसी में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है, 75% जो उत्पादन होता है कपास का यही से होता है। तो सबसे ज़्यादा जो संकेंद्रण हुआ है वो जो है यांग्त्सी सिक्यांग घाटी हुआ, जिसमें सबसे बड़ा जो केंद्र है सूती वस्त्र उत्पादन का वो है संघाई। इसीलिए संघाई को क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ चाइना। देखिए इसमें जो मैसेज है तो हार्डी में भी हमने आपको बताया कि पहले तो ये दक्षिण भारत में ही शुरुआत जब हुई थी सूर्य उद्योग के केंद्रीकरण की, तो दक्षिण भारत में ही हुई थी, इसमें महाराष्ट्र हो गया और गुजरात हो गया, यहाँ पर मुख्य रूप से जो है केंद्रीकरण।
मुंबई को आप जानते ही, पाटोनो पोलिस कहा जाता है, सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो इस तरीके से अहमदाबाद को मानचेस्टर कहा जाता है, आप जानते हैं, उत्तर भारत को मानचेस्टर कानपुर कहलाता है। तो इस तरीके से पहले दक्षिण भारत में इसकी स्थापना हुई थी, शुरुआत वहाँ से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे कपास का उत्पादन उत्तर भारत में होने लगा तो वैसे वैसे, चूँकि दक्षिण भारत में कपास का उत्पादन था और साथ ही साथ आद्र और नम जलवायु थी, तो सबसे पहले वहाँ पर जो है इसकी उद्योगों का स्थानीयकरण आरम्भ हुआ। ठीक, लेकिन भारत उत्तर भारत में भी मांग थी, और उत्तर भारत में चूँकि जानते हैं आप, जहाँ पर ये उपजाऊ मिट्टी एलिवल सॉइल पाई जाती है, वहाँ पर ज़्यादातर सब चीज़ों की खेती आप कर सकते हैं। तो जहाँ वहाँ पर भी कपास का उत्पादन शुरू हुआ और नेचुरल आर्टिफिशियल तरीके से हम आद्र और नम जलवायु को प्रयोगशाला में तैयार करने लगे, तो वहाँ पर जो इस तरह से उसके कारण उत्तर भारत में भी सूती वस्त्र उद्योग का जो स्थानीयकरण, इस तरह से उत्तर भारत और दक्षिण भारत में वर्तमान समय में, तो भारत में आप देख लीजिए मुंबई, कहते हैं नगोया, अभी बताएंगे आगे।
जो है लंका शायर क्षेत्र में सबसे पहले लगाया गया, लंका शायर मैनचेस्टर ग्लास्को, ऐसे ग्लास्को में भी है लेकिन ग्लास्को अब थोड़ा से उसके लिए ना होकर आपके ये जो सिप इंडस्ट्रीज है उसके लिए फेमस है, इसलिए आपका लंका शायर चार नोट और बीस पाँच
जरूरी ना हो। और भी उपयोग में छोड़ते हैं, ये तो आपको फेमस
ये जो चीज़ें हैं, आप जैसे काली मिट्टी तुम जाओ है कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा, लेकिन आप हमने आपको बताया था कि उत्तर भारत में ऐसे हो रही, तो जलोढ़ मिट्टी में भी हो रही, पंजाब हरियाणा में वहाँ से ज़्यादा उत्पादकता है, प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्टिविटी जो है कपास की, वो जो है पंजाब में हरियाणा में ज़्यादा है सबसे ज़्यादा। अब हम आपको बताते हैं कागज उद्योग, पेपर इंडस्ट्री, तो आपको केवल इसे बता दें कि कौन कौन सबसे अधिक उत्पादन करने वाले हैं, हाँ ये कौन कौन सा जो फेमस है वो केवल बताएंगे, ऐसे तो पढ़ाएँ तो बहुत मतलब उद्योगों को समय लगेगा आपको चल रहे, तो आप जो है आपको तो बना रहे हैं, जैसे अगर आपको कोई प्लेस पूछना हो तो आप आगे तो बता रहे कागज में आते कागज उद्योग, तो आप जानते हैं कि सब भारी जो वन होते हैं तो उनके लिए उपयुक्त होते हैं, मुलायम लकड़ी वाले वन होते हैं, तो इससे सब भारी वनों का जहाँ जो होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है कागज उद्योग। आपको कहाँ मिलेगा जो कौन धारी फर्क है, जैसे नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, कनाडा हुआ और यूएसए, ये मुख्य रूप से यहाँ पर फैले हुए हैं। सबसे नंबर वन पे जो अखबारी कागज होता है वो उसके लिए कनाडा, उसके संयुक्त राज्य अमेरिका, तो उसके लिए कनाडा हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और सबसे ज्यादा सर्वाधिक संकेंद्रण यहीं पर है, वो जापान का खेती का है, डेट्रॉइट एक प्लेस है संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक यही की जहाँ पर सर्वाधिक पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मोटर गाड़ी उद्योग का संकेंद्र है, कंसंट्रेशन है, इसीलिए उसी के नाम पे जहाँ जहाँ पे पाए जाते हैं, भारत में पीथमपुर है तो पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट, टूरिन इटली में टूरिन को डेट्रॉइट इटली का कहा जाता है, टूरिन प्लेस को। Thank you.
एकदम तट के किनारे होंगे, समुद्र के किनारे, वहां पर इसका उद्योग का विकास होता है। तो इसमें जो सबसे नंबर वन पर है वो जापान, जापान नंबर वन। जापान में आपने लीजिए याकोहामा एकदम समुद्र तट से लगा हुआ है किनारे पे। मैप इसीलिए तो मैप अगर आप वर्ड का होते हैं तो एक एक चीज़ आपको ध्यान रखती है। अभी तो फिलहाल ये आपको बता रहे हैं ये चीज आपको हमारे तो समुद्र तट से लगा हुआ है। तो ब्रिटेन में जैसे प्ले माउंट है यहाँ लगा हुआ है, की जर्मनी में की जो बैर है इसके किनारे, उस तरीके से विशाखापट्टनम जैसे आपके आंदोलन से बाहर इस तरीके से जो समुद्र तट के किनारे कम होते हैं। याकोहामा टोक्यो विशाखापट्टनम, मुंबई, कोची, प्ले माउंट यहाँ पर एक
किनारे आप जाने गए इसे बेलफास्ट, बेलफास्ट आयरलैंड, बेलफास्ट आयरलैंड Thank you.
जो अभी नहीं दिखाया उसको आपको बाकू बाकू पेट्रोलियम
फिलाडेल्फिया लोकोमोटिव के लिए फिलाडेल्फिया जो संयुक्त राज्य अमेरिका
टाइम अगर हम यही आते हैं ट्रांसपोर्टेशन, आप इसको इसमें जरूर देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन आए आप प्लेसेस जरूर देखिएगा, प्लेसेस देखेंगे तभी आपको याद भी रहेगा, ऐसा आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, कई कई प्लेसेस जो होते हैं कई कई चीज़ों के लिए फेमस होते हैं। तो ऐसा होता है कि या तो हम सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए फेमस है ये देखते हैं, जब मैच कराने के लिए आते हैं तो आपको और जो विकल्प होते हैं उनके हिसाब से देखना पड़ता है कि कौन ज़्यादा किसके लिए फेमस है। ऐसी दिक्कतें आएंगी जब आप एग्ज़ाम देंगे ISPCS का, तो उसके क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लगेगा, ठीक, वहीं पर इंजीनियरिंग उद्योग दिया है, वहीं पर लॉ इस्पात उद्योग दिया है, वहीं पर कृषि उपकरण दिया हुआ है, तो तीनों चीज़ें रहती हैं। तो ऐसे में आपको जो और तीन विकल्प हैं वो कहाँ से मैच कर रहे हैं, इस तरीके से आपको मिलाना है। जैसे शिकागो में होता है लॉ इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, ठीक, और मांस के लिए फेमस है, तो मांस उद्योग सबसे ज़्यादा फेमस है।